सत श्रीकाल जी, पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है अज के बुलेटिन दे विच। पंजाब च मुख्य मंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार वालों पिछले समय च दर्ज होए झूठे मुकदमों नूं रद्द किया जाएगा ते उस लई शायद जांच कमीशन भी बिठाया जा सकता है। पंजाब च सत्ता च आउण पिछों भगवंत मान सरकार लगातार एक्शन च नजर आ रही है, एक तो बाद एक अहम फैसले लए जा रहे हैं। दसिया जाता है कि मान सरकार वालों हुण झूठे केस दर्ज करवाउण वालियां विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। सूबाई पुलिस नूं जारी किए गए हुक्म च मान सरकार ने कहा कि इस गल की जांच होनी चाहिए है कि पिछले 10-15 साल दौरान सूबे च कि व्यक्तियों विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री की गुजरात तो चंडीगढ़ वापसी पिछों शायद एक जांच कमीशन गठित किया जाए। यह कमीशन इस गल की जांच करेगा कि पिछले 10-15 साल दौरान कि व्यक्तियों विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। राजपुरा के केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा विखे श्रोमणि अकाली दल के सीनियर आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने विधानसभा दीआं चोणां तो बाद पहली बार हलका घनौर के वर्करां नाल मीटिंग की। श्रोमणि अकाली दल की इन्नी वड्डी हार क्यों हुई है उसकी पड़ताल की जा रही है। सैकड़ों की गिनती विच श्रोमणि अकाली दल के वर्कर इस वर्किंग मीटिंग विच पहुंचे हुए। चंदू माजरा ने वर्करां नूं संबोधन करते हुए कहा कि काफ़ी जगह तो असी चोणां जीते भी हाँ अते कई पिंडां विच हारे भी हाँ। यह जांच पड़ताल चल रही है। सीनियर अकालू आगू और साबका मैंबर पार्लीमेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने पत्रकारों नूं दस्या कि पंजाब च नवी आई सरकार ने अजे कोई भी वादा पूरा नहीं किया। पंजाब विच महंगाई जोरां ते है, पेट्रोल डीजल के रेट रोजाना वध रहे हैं जिस तो हर गरीब अते अमीर परिवार पीड़ित है। उन्होंने कहा कि श्रोमणि अकाली दल आम पार्टी के खिलाफ जल्दी धरना दिता जाएगा। आम पार्टी वालों जो वादे किए सन उन्हां विचों कोई भी पूरा नहीं किया गया। पंजाब रेत बजरी हेठ काफ़ी सिखरां ते हैं। लुधियाना च फ्लाईओवर से हादसा वापर गया जदों एक वड्डा कंटेनर पुल तो हेठां डिग गया। प्राप्त हुई जानकारी मुताबक यह घटना सोमवार सवेरे 5 बजे की है। एक ट्राला लुधियाना तो अमृतसर वाले पासे जा रहा है, अचानक ड्राइवर की अख लगन कारण यह ट्राला 30 फुट हेठां डिग गया। चंगी गल यह रही कि सवेर के समय सड़क पर कोई नहीं तो कई जिंदगियां मौत के मुंह च जा सकदियां सन। लंबी विच किसाना मजदूरां ते होई लाठीचार्ज तो खफा किसाना अते मजदूर वालों मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर अते मलोड के SDM के DSP खिलाफ कार्रवाई की मंग लई शुरू किया गया धरना अज 5वें दिन भी जारी रहा। सरकार ने भावें मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सूदन का इतों तबादला कर दिता है पर जथेबंदियां इन्हां अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई लई अड़ियां हुई हैं। इस धरने विच हुण जिलेवार मुजाहराकारी शामिल हो रहे हैं। अज फजिलका जिले की वारी सी। धरने नूं संबोधन करदिआं गुरभगत सिंह भलाईआणा, गुरपात सिंह सिंगेवाला, राजा सिंह महाबद्र, काका सिंह खुंडे हलाल, राजा सिंह खूनन, खुरद ते रहरी चंद अबोहर ने कहा कि भावें पंजाब सरकार ने मुक्तसर के DC हरप्रीत सूदन की इतों बदली कर दी है पर सरकार ने हाले इन्हां अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई करने की मंग पूरी नहीं की। इसी तरह 7 महीने बीत जाने पर भी नरमे का मुआवजा नहीं दिता गया। पंजाब विच स्मार्ट बिजली मीटर लगाउण दी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके चलते पंजाब के कई इलाकों में मीटर लगाउण उत्ते किसान संगठनों द्वारा विरोध जताया जा रहा है अते बिजली मीटर नूं उतारिया जा रहा है। इसके चलते बरनाला के कस्बा धनोला विच भारतीय किसान यूनियन ढकौंदा वालों पिंड विच ही लगाए गए एक मीटर नूं उतार के रोस जताया गया। पंजाब सरकार अते बिजली विभाग के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की गई। किसानों ने इस रोस प्रदर्शन नूं वीडियो बना के सोशल मीडिया उत्ते वायरल भी किया। किसानों ने शक जताया कि यह मीटर प्रीपेड है अते इस तरीके दे मीटर असी हरगिज लगन नहीं देवांगे अते इन्हां दा डट के विरोध किया जाएगा। इस मौके किसान आगुआं ने भी केंद्र सरकार द्वारा प्रीपेड बिजली मीटरों का सख्त शब्दों में विरोध जताया अते कहा कि यह पंजाब विच लगन नहीं दिते जाएंगे। पंजाब एक किसानी राज है अते इस राज विच प्रीपेड बिजली मीटर हरगिज नहीं चलेंगे। पंजाब एक किसानी राज है अते इस राज विच प्रीपेड बिजली मीटर हरगिज नहीं चलेंगे। ओ केंद्र सरकार दे वल्लों सीधे तौर पर कोऑपरेट कराणियां नूं बिजली देने की गल चल रही है अते आम लोगों नूं बिजली लई रिचार्ज करवाना मुश्किल हो जाएगा। इहो जिही जरूरी जानकारी लई जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।